वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर आईक्यू। आज के वीडियो में हम लोग सितंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किस कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को अपस्किल करने के लिए अभियान की घोषणा की है? तो घोषणा की गूगल के द्वारा। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और गूगल को बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था 1998 में, और वो थे लैरी पेज जो इनके फाउंडर थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? तो ये नाम है अर्थगंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने एक बार फिर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये देश है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस बैंक ने दो नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? तो वो बैंक HDFC। HDFC बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं शशिधर जगदीशन और ये फाउंड हुआ था 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ड्रीम सेट गो का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे सौरभ गांगुली। लॉजेन डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय जिसके द्वारा इतिहास रचा गया है? तो पहले भारतीय हैं नीरज चोपड़ा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर उत्कृष्ट सीजन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो यह है करीम बेंजिमा, ये फ्रांस के हैं और क्या है फुटबॉलर, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये एक फुटबॉलर है। अगला क्वेश्चन है, कमीशनिंग के साथ 119 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन किसने प्राप्त किया? तो वो भारतीय राज्य है नागालैंड और नागालैंड की राजधानी है हमारी कोहिमा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने UEFA महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर उत्कृष्ट सीजन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये हैं एलेक्सिया पुटेलास, ये भी एक फुटबॉल प्लेयर है। महिला समानता दिवस 2022 महिला सशक्तिकरण और समानता का जश्न मनाने के लिए पूरे विश्व में डैश को मनाया जाता है, मतलब किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिन है 26 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महिला समानता दिवस 2022 का विषय क्या है? तो यह विषय रहा जेंडर इक्वलिटी, टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया गुजरात, गुजरात में भी कहां, अहमदाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चर्चा में रहे लिंथोई चनम्बम किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं जूडो से, जूडो खेलने वाले को बोलते हैं जूडोका, और ये है कहां की, मणिपुर की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने विनाइल बैनर पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये सरकार है आंध्र प्रदेश और यहाँ के सीएम हैं YS जगमोहन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो ये देश है फिलीपींस और फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला और यहाँ की जो करेंसी है वो है पेसो, फिलिपिनी पेसो। किस खिलाड़ी की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती मनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले, इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। नीति आयोग के द्वारा किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो वो जिला है हरिद्वार जो कि है उत्तराखंड में और यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्ण को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 अगस्त को। कुछ खास बातें न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर कि जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था उसका नाम था ट्रिनिटी। किसने किया था? US मिलिट्री ने। कहाँ? मैक्सिको में। किस प्रोजेक्ट के अंदर किया था? प्रोजेक्ट मैनहट्टन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नाम की एक नई किताब जल्द ही लॉन्च की जाएगी, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक के लेखक है पुलापरे बालकृष्णन। ये एक इकोनॉमिक्स्ट हैं और फिलहाल प्रोफेसर हैं, कहाँ, अशोका यूनिवर्सिटी में। अशोका यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये? हरियाणा में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा बैंक खाता एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत 1919 में कहाँ हुई थी? मुंबई में। और फिलहाल जो इनके इनकी सीईओ हैं उनका नाम है ए मनी मैकलाई। और यूनियन बैंक की जो टैगलाइन है वो है गुड पीपल टू बैंक विद। अप्रैल 2020 में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक के साथ मर्ज कर दिए गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटका में है और कर्नाटका के सीएम जो हैं वो हैं बसवराज बोम्मई और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। यहाँ का एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछा जाता है वो है बांदीपुर या एक और है बनेरघट्टा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा मेडिसिन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी किए हैं? तो ये राज्य है केरला और केरला के सीएम है पिनाराय विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। यूपी सरकार किस शहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है? तो वो शहर है कन्नौज और कन्नौज फेमस है अपने परफ्यूम के लिए या अपने इत्र के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जियो मेट्रो सिटी में अपनी 5G सेवाएं कब शुरू करेगा? तो जियो अपनी सेवाएं शुरू करेगा दिवाली 2023 के आसपास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अग्रणी वाहन निर्माता ने भारत में 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो वो भारतीय कंपनी है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी को फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था 1981 में किसके द्वारा? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जिसका हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में और जो इनके अभी हाल ही के चेयरमैन हैं वो हैं आरसी भार्गव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्तिल को पीछे छोड़ते हुए पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छोटे विमान में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह है मैक रुदरफोर्ड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट का राष्ट्रीय दौरा किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? केडी जाधव इंडोर स्टेडियम। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित में से किस शहर में देश की पहली नाइट सफारी शुरू की है? तो ये शहर है लखनऊ और लखनऊ जो है वो यूपी की क्या है? राजधानी। और यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। यूपी में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, इसका नाम है दुधवा। ये लखीमपुर खीरी के आसपास जो है वो है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 दिवसीय स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किस राज्य केंद्रित केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हो गया है? तो ये किया गया है पुडुचेरी में। पुडुचेरी एक यूटी है और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है एन रंगा स्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं तमिलसाई सुंदरराजन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने और ये कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के और डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन और यहाँ की जो करेंसी है वो है
डेनिस क्रू ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में मुख्यमंत्री ने खेलों का माहौल बनाने एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की? तो वो राज्य है हमारा राजस्थान। राजस्थान के जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कालराज मिश्रा। राजस्थान में बहुत ही फेमस नेशनल पार्क हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से एक है रणथंभौर या फिर सरिस्का। कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये हैं जेम्स एंडरसन, और ये हैं इंग्लैंड के। देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अगस्त के किस दिन विश्व स्तर पर गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। तो यूएन के बारे में कुछ बात करें तो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, और जो अभी के इनके सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुतरेस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भारत के किस राज्य में खुलेगा? तो ये खुलेगा वेस्ट बंगाल में, और इसका नाम होगा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। देखते हैं अगला प्रश्न। जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी? तो ये होंगी 500, और ये खुली जाएंगी बाई अटल इनोवेशन मिशन। देखते हैं अगला प्रश्न। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है मणिपुर में, और मणिपुर के जो सीएम हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है ला गणेशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने डैश को जनवरी 2023 से एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं संतोष अय्यर, जो कि अब से भारत इंडिया बेंज के नए क्या होंगे, सीएमडी और सीईओ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार हाल ही में कौन सा भारतीय व्यवसायी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ये हैं गौतम अडानी। किस शहर ने जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेजबानी की? तो ये राज्य रहेगा न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, ये है यूएसए में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये शहर है कोलकाता। कोलकाता आता है वेस्ट बंगाल में, यहाँ की राजधानी है ये, और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं ला गणेशन। मैं वेस्ट बंगाल के लिए इनका ये एडिशनल चार्ज इनको दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता? तो ये जीता है देविता राय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेल्जियम फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। ये कहाँ के हैं, ये बेल्जियम के हैं, और ये खेलते हैं रेड बुल के लिए। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी हुई है योगेंद्र सिंह यादव द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जीता? तो ये जीता है सुभाष घई ने। निम्नलिखित में से किसने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में लोकप्रिय पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीता? तो ये मिला है रणवीर सिंह को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में आलोचकों की पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीती? तो ये फिल्म का नाम है सरदार उधम। भारतीय रेलवे ने मुंबई स्टेशनों पर एक मशीन स्थापित की। अद्वितीय मशीनें हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करती हैं। तो ये मशीन का नाम है मेघदूत। पानी में हवा के अंदर जो नमी होती है उसके द्वारा पानी का निर्माण जो है मशीन करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल शुरू करेगा, उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम रहेगा ई समाधान। IFS नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है, वे निम्नलिखित में से किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे सुचित्रा दुरई की, और थाईलैंड की जो करेंसी है वो है बाट, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। SBI रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? तो ये अनुमान है 15.7। SBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और जो इनके CEO हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुई है हजीरा गुजरात के लिए, यानी कि हजीरा गुजरात में जो है ये प्लांट बनेगा। हाल ही के NSO डेटा के अनुसार इस वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत की GDP विकास दर क्या थी? तो ये विकास दर थी 13.5, जबकि RBI की जो प्रोजेक्शन थी वो थी 16.2% की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नियामक निकाय ने भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत करने वाले ढांचे को आधार सूचित किया है? तो ये है SEBI, SEBI के द्वारा इसको बनाया जाएगा और ये होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिससे कि वो अपना फंड रेज जो है वो कर सकें। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो वो राज्य है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी किस संस्थान ने आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया गया है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, यानी कि CERT-IN द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का पालन नहीं करने वाले सरकारी विभाग की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष पर है? तो वो हमारा जो मंत्रालय है वो है रेल मंत्रालय डिपार्टमेंट। और पहली जो रेल थी वो भारत में मुंबई से थाने चली थी, कब? 1853 में। और जो अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण कौन करने वाला है? तो अनावरण किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक जिला एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उत्तर प्रदेश से संबंधित। अभिजीत सेन का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? ये एक इकोनॉमिस्ट थे और इससे पहले ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी जो हैं वो रह चुके हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया वसुधा गुप्ता को। आकाशवाणी, जो कि पहले ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 1936 में की गई थी, कहाँ पर? दिल्ली में। और बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व नारियल दिवस 2022 मनाया गया, मतलब कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 सितंबर को। कार्तिक आर्यन स्टारर की किस फिल्म को कॉमिक बुक रूपांतरण मिल रहा है? तो ये मूवी है भूल भुलैया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो ये शहर है अहमदाबाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। CAPF ई आवास पोर्टल कौन लॉन्च करने जा रहा है? तो ये लॉन्च किया जाएगा अमित शाह जी के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया? तो ये मनाया गया उड़ीसा में। उड़ीसा के जो CM हैं उनका नाम है नवीन पटनायक और जो के गवर्नर हैं उनका नाम है गणेश लाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। IME इंडिया के साथ साझेदारी करके भारत से नेपाल को मनी ट्रांसफर सेवाओं का विस्तार करने वाली एकमात्र NBFC कौन सी है? तो NBFC है मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सुजुकी के साथ देश में 2 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो ये किए हैं गुजरात में। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी राज्य क्या केंद्रशासित प्रदेश से है? तो वो है न्यू दिल्ली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल डैश से मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के बीच में। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया? तो ये है न्यूजीलैंड से, यहाँ की जो कैपिटल है वो है विलिंगटन और जो की करेंसी है वो है डॉलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड और उसके निर्देशकों पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों और लिस्टिंग शर्तों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया गया SEBI के द्वारा। SEBI को बनाया गया था 1992 में, हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मुंबई में। अक्टूबर 2022 में एक विशेष आतंकवाद विरोधी बैठक के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा? तो वो देश है इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये देश है श्रीलंका और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनीपुरम कोटे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये बैंक है SBI।
SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और जो इनके CEO हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। अगर SBI की शुरुआत की बात करें तो तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1921 में, और 1921 के बाद 1955 में इम्पीरियल बैंक का नाम बदलकर SBI कर दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी द्वारा, जो कि हमारे क्या हैं, होम मिनिस्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायो एशिया 2023 का 20वां संस्करण जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य तकनीक के लिए बायो एशिया 2023 का प्रमुख कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना सरकार द्वारा, और तेलंगाना के जो CM हैं वो हैं के चंद्रशेखर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिल सई। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एक है पखल नेशनल पार्क, एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दूसरा है कवल टाइगर रिजर्व है एक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। EV बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है? तो यह है टाटा नरसिंह राव। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2022 आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा नई दिल्ली में खोला गया था? तो ये खोला गया मनोज सिन्हा द्वारा, जो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली रक्षा या स्पर्श ने 3,090 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है, यह किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, और हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? राजनाथ सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन ICAS का 4वां संस्करण वैश्विक विशेषज्ञों के साथ निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हुआ? तो ये हुआ बेंगलुरु में, और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अंशी, और दूसरा मुदू मलाई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। INS विक्रांत भारतीय नौसेना के लिए भारत का पहला घरेलू विमान वाहक पोत किस शिपयार्ड में कमीशन किया गया है? तो ये शिपयार्ड है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड की शुरुआत 1972 में की गई थी, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कोची केरला में है, और जो इसके अभी चेयरमैन हैं वो हैं मधु एस नायर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य सुनामी रेडी टैग आने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के जो CM है वो है नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है गणेश लाल। कुछ नेशनल पार्क जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सिमलीपाल, और एक है भितरकनिका। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।